आ जाओ सारे हाय गाइस हेलो एवरीवन परफेक्ट गुड इवनिंग गाइस तो टू आर टोल्ड यू यार ये बच्चे लेट मी जस्ट सी परफेक्ट हेलो बच्चे ग्रेट एंड गाइस लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग वेरी गुड सो खुशी इज देयर गुड इवनिंग बेटा नमस्ते दक्ष अंशिका इस बेटा शुरू हो गया लाइक दीडियो सब्सक्राइब टू दैनल एंड गाइज वेन यू कम डाउन यू विल सी टर्म टू फुलबस कोर्स इज देर फॉर वेदांतू क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए स्पेशली इट इज देयर है ना मेनी ऑफ यू हैव इनरोल्ड एंड आई वुड लाइक यू टू टेल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सैम्पल पेपर्स होंगे लाइव क्लासेस है ना टेस्ट असाइनमेंट ऑल ऑफ दिस जस्ट फाइव फोर जीरो जीरो टिल दी एग्जाम अप्रेल ट्वेंटी और उसके बाद जब तक आप एग्जाम तब तक आप एक्सेस कर सकते हो है ना एंड इट विल्स हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट विच इज हाईली अफोर्डेबल अगर आपको लगता है कि भैया हमारे यू you नो know, हमने सही से पढ़ाई नहीं करी है मजा नहीं आ रहा है डर लग रहा है थोड़ा सा तो वी कैन चेक इट आउट कुल यस यस इस पर क्लिक कर रहे हैं कहां पर जाके वीडियो के नीचे क्लिक ऑन दिस यू विल पेज है ना बच्चे टर्म वन वॉज डिफिकल्टाइस नीड सम हेल्प ओके मेक श्योर यू अटेंड ऑल द क्लासेस अगर आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए है ना तो यू डेफिनेटली गेट इन टू दिस परफेक्ट चलो आ जाओ अभी वापस आते हैं ये रहा हमारा यस कुल Here we start. Now guys, अरे, ये क्या हो गया यस yes. ठीक है बायोटेक्नोलॉजी बड़ा डायरेक्ट टेक्नोलॉजी अब हमने समझ तो लिया कि बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं कैसे यूज करते हैं है ना अब हम देखेंगे इसको अप्लाई करेंगे रियल जिंदगी में कहां पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स ठीक है बायो फार्मास्यूटिकल्स में हम यूज कर सकते हैं देन कैन यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स लाइक फंगाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हम क्या कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगाई प्लांट और एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं ठीक है फिर बीटी कॉटन आपने सुना होगा है ना कॉटन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट थेराप्यूटिक थेरापी कोई ट्रीटमेंट के लिए डायोग्नोस्टिक डायग्नोस्ट करने के लिए की डिसीज है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल एड्स के टेस्ट में यूज होता है, है ना बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड मतलब जो फूड की क्वालिटी है उसको बढ़ाना जैसे कि विटामिन ए रिच राइस होते हैं है ना उसकी क्वालिटी को बढ़ाना बायो रेमेडिएशन है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कंट्रोल करना पोल्यूशन को है ना बेटा वेस्ट ट्रीटमेंट में एनर्जी प्रोडक्शन में ये सब चीजें हम कर सकते हैं ठीक है परफेक्ट देन आगे चलो

ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से सेल भी कर पाए चेक करें कि उसमें कुछ गड़बड़ गड़ गड़ तो नहीं है प्रोसेसिंग सही तो हुई है और उसको लार्ज स्केल में हम डिप्लॉय कर पाए ठीक है ये सब चीजें हमें बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए जैसे कि अगर मैंने इंसुलिन बनाया है पहली चीज मुझे क्या रहेगी कि भैया इंसुलिन मैं बना पा रहा हूं मेरे पास एंजाइम वगैरह है इंसुलिन बनाने के लिए है ना चलो ठीक है फिर ऑप्टिमल कंडीशन इंसुलिन बनाने के लिए मुझे प्रॉपर कंडीशन चाहिए रहेंगी नंबर थ्री डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्यूरिफाइंग प्रोटीन मतलब जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसको प्यूरिफाई करना वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है परफेक्ट एक सेकेंड गाइस ग्रेट नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल अप्लीकेशन हाउ कैन वी रिप्लेस ओके? और हाउ कैन वी रिप्लेस अ फर्टिलाइजर है ना हम ये सब चीजें क्या करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेम कि फर्टिलाइजर को कम कैसे करें है ना फर्टिलाइजर को हम कम कैसे करें देन जेनेटिकली क्रॉप एग्रीकल्चर जैसे बी टी कॉटन हो गया हम <laughs> जो क्रॉप प्लांट हैं उनके डीएनए को कैसे चेंज करें सो दैट इट इज नॉट अफेक्टेड हम क्रॉप प्लांट्स के डीएनए को कैसे अफेक्ट कर सकते मतलब चेंज कर सकते हैं सो दैट वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट समझो परफेक्ट चलो आगे चलते हैं Now, ना टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन है ना ग्रीन रेवोल्यूशन क्या बेटा आपको पता ही होगा इट वॉज डन अराउंड इस टाइम में क्या हुआ वी स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स हाई येराइटी हम ना नए नए प्रोडक्ट यूज कर लेंगे जिसकी वजह से इंडिया वॉज एबल टू ग्रो लॉट्स ऑफ क्रॉप्स है ना बेटा एंड वी वर एबल टू ग्रो लॉट्स ऑफ क्रॉप एंड वी बिकेम वॉट डू बिकेम वी बिकेम सेल्फ सफिशियंट हम क्या बन गए बेटा वी बिकेम सेल्फ increased yields बिकेम partly due to improved variety of crop यू जमेंट प्रैक्टिस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिस है ना बच्चे हम ग्रीन रेवल्यूशन के टाइम पे इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर पाए क्योंकि हमने नई मेथड यूज करे यूज यूज करे करे केमिकल्स ठीक है चलो आगे आ जाओ ना अब देखते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट जिसका हमने जीन चेंज करा है जैसे बी टी चेंज करा है ना उसी तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं देखो समझ रहे मतलब मेरा, मेरा बच्चा नहीं, <laughs> कोई एक स्टूडेंट है उसका मैंने अगर डीएनए चेंज कर लिया तो व्हाट हैज ही बिकम ही और शी बिकम हैज बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो सिमिलरली एक प्लांट है इसका मैंने डीएनए चेंज कर लिया तो वॉट दैट मीन इट बिकम्स यस बिकम इट मीन इट इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ठीक है सर है ना इट मेड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैंने डीएनए इंट्रोड्यूस करा किसी प्लांट में वो ड्रॉट से रेसिस्टेंट हो गया कोल्ड सॉल्ट हीट सबसे रेसिस्टेंट हो सकता है समझ लो मैं प्लांट में ऐसा डीएनए डाल सकता हूं जिसकी वजह से वो कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट और हीट से प्रोटेक्ट हो जाएगा नंबर टू रेड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिस बी टी कॉटन क्या है जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाएंगे हेल्प टू रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब मैंने ऐसे प्लांट ग्रो करे इनका डीएनए चेंज करके कि वो ज्यादा देर तक स्टोर हो सकते हैं समझे इंक्रीज एफिशियंसील यू बाई प्लांट्स अर्ली एक्सोशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज एफिशियं ऑफ मिनरल यूसेज बाई प्लांट अर्ली एक्सॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ दॉल मतलब मैंने ऐसे प्लांट रेडी करे जो कि न्यूट्रिय जो को बहुत ही जुडिशियसली यूज करते हैं और एफिशियंटली यूज करते हैं यस yes? अब देखो आगे एनहानस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड जैसे मैंने बताया था हम फूड की क्वालिटी में ही बढ़ा दें मतलब राइस में ही हमने विटामिन ए रिच राइस डाल दिया वट विटामिन ए रिच राइस है ना विटामिन ए रिच राइस डाल दिया मैंने दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस है ना तो ऑल दीज थिंग्स आई कैन डू देन टॉकिंग अबाउट बीटी कॉटन ओके टॉकिंग अबाउट बीटी कॉटन अब एक बीटी कॉटन बेटा एक प्लांट था कॉटन प्लांट था ठीक है <coughs> जिसको कॉटन बॉलवम नाम का कीड़ा खा जाता था क्या प्रॉब्लम थी कॉटन प्लांट को क्या दिक्कत थी कॉटन बॉलवम नाम का कीड़ा उसको खा जाता था सब परेशान फार्मर है ना तो हमने क्या किया बेटा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने एक बीटी टॉक्सिन जीन निकाला ठीक है ये हमने निकाला एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस है हमने एक बैक्टीरिया लिया बैसिलस उसमें से एक बीटी जीन निकाला

टॉक्सिक इन नेचर दीज प्रोटीन आर वॉट दीज आर टॉक्सिक इन नेचर है ना प्लांट के लिए नहीं वो बॉलवर्म के लिए जो इंसेक्ट था ठीक है तो क्या होता था जब ये बॉलवर्म अब ये बीटी वाला प्लांट खाता था कॉटन वाला तो जो टॉक्सिन थे वो हमारे बॉलवर्म के चले गए अंदर और बॉलवर्म के इंटेस्टाइन में जाते ही ये जो क्रिस्टल है प्रोटीन का ये घुल जाता था एंड इट कॉसेस डेथ टू द बॉलवर्म के पेट में छेद हो जाता था और वो मर जाता था तो ये था प्रॉपर समझ आया तो क्या हो कि हमने बीटी टॉक्सिन जीन और जीन हैज बीन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट इसको हमने कॉटन प्लांट में डाला है टू प्रोवाइड कॉटन प्लांट रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट बीटी टॉक्सिन किल्स किस गाइस प्लीज अंडस्टैंड लेपिडोपटेर ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है टोबैको बडवम आर्मी बर्वम कॉलियर बीटल्स एंड डिप्टेन्स लाइक फ्लाइज एंड मास्कटो बेटा प्लीज याद रखना कि ये किसके अगेंस्ट काम आता है बीटी टॉक्सिन किसके अगेंस्ट काम आता है ले, टेरेंस, टेरेंस, टेरेंस. ना बीसी बीटी बैसल फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ यह करते बेटा पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ अ ग्रोथ दे मेक अ प्रोटीन इन पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ ठीक है तो अब ये प्रोटीन के बेटा बीटीटॉक्सिन एक्सिस्ट इन एक्टिव फॉर्म एस प्रोटॉक्सिन तो जब मैंने इसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करा बेटा ये इनएक्टिव रहता है ठीक है प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव रहता है प्लांट में व्हेन इंजेस्टेड बाय एन इंसेक्ट जब इंसेक्ट इसको खा लेता है इमेजिन करो ये मेरा इंसेक्ट है ठीक इस इंसेक्ट ने इसको खा लिया एल्कलाइन कंडीशन ऑफ इंसेक्ट गट टॉक्सिन मतलब जो इंसेक्ट का जो पेट है इंटेस्टाइन है वो एल्कलाइन होता है तो इसकी yes, है बेटा यस वो टॉक्सिन यहां पे एक्टिवेट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन टू द ऑफ बाइंडल सेल एक्टिव टॉक्सिन जो है वो उसके स्टमक में बाइंड हो जाते हैं उसके इंटर पोर्स हो जाते हैं छेद हो जाते हैं टूट है मतलब जाना बेचारा मर गया <laughs> बेटा कोई बात नहीं आपके ये काम आएगा ना जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके नीट में हेल्प करेगा पेपर चाहे आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो कोई बात नहीं

The toxin coded by Cry1Ac is named as Cry. Cry gene. Please remember this. They will ask you what gene helps in you know controlling cotton bollworm. what gene helps in you know what gene is incorporated in the cotton plant? BT gene or Cry gene. There are a number of other other genes. Also, for example, Cry1Ac, Cry2Ab. These are for cotton bollworm. Cry1Ab. फॉर कॉर्न बोरर बेटा एग्जाम में आएगा ये प्लीज याद रखो कॉटन बॉलबम के लिए कौन सा है क्राई वन एसी क्राई टू ए बी क्राई वन ए बी इज फॉर कॉन बोरर यस प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स यस यस परफेक्ट नेक्स्ट सेवरल नीमा

और इज ग्रेट ड्रोडक्शन इन दिल बेटा ये देखो इंपॉर्टेंट है बीटी इंपॉर्टेंट है ये वाला मेलाइडो इनकॉग्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद कर लेना पेपर में आएगा बी टी गॉट का आएगा और ये यह मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम इस, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं एक स्ट्रैटेजी आर एन ए इंटरफेरेंस क्या यूज करते हैं हम इसको कंट्रोल करने के लिए यूज ए कॉल्ड एज आर एन ए इज दिस

हम क्या हैं? करते हैं डबल स्टैंडर्ड आर एन ए को यूज करते हैं टू साइलेंस ऑफ़ द साइल इनको मतलब देखो आपको हमने पढ़ा था अब ध्यान से देखो तो हम क्या करते हैं हम इस आर एन ए को खराब कर देते हैं जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बन पाता जिसकी वजह से मेलाइडोग इनकोगनीशिया मर जाता है लो ये मर जाता है आया हमने इसका एक लाइफ प्रोसेस ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से डाइस हाउ डू वी डू दैट हाउ डिड वी डू दैट यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वी आर इनटू इन टू द होस्ट प्लांट हमने क्या करा हमने एक प्लांट के अंदर इन अ होस्ट प्लांट वी इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट किसको एग्रोबैक्टेरियम याद है एग्रोबैक्टेरियम टूमिफेशन वॉज द वेक्टर यूज फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस सेंस एंड एंटीसेंस आर एन ए इन द होस्ट सेल इसके अंदर क्या बना बेटा सेंस और एंटीसेंस आर एन ए बना तो जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड These two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced specific mRNA of a निमेटोड मतलब मिलैडोगाइने इनकॉग्निशिया के आरएनए को इन्होंने रोक दिया समझो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाके जो मिलैडोगाइने इनकॉग्निशिया का आरएनए है उसको ब्लॉक कर देता है ये बेटा समझ आ गई मेरी बात क्या है रहा था तुम डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कम ऑन फेक्ट द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफियरिंग आर एन ए कॉन्सिक्वेंस क्या बेटा पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाया हमारे होस्ट प्लांट में और वो मर गया द ट्रांसजेनिक तो प्लांट देरफॉल गॉट इट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट तो पैरासाइट से हमारा प्लांट बच गया बिकॉज ऑफ क्या बेटा क्या टेक्निक थी इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस आरएनए 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 में हमने क्या करा एक एक जीन डाला जिसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड प्रोड्यूस हुआ ब्लॉक्स द द ऑफ कॉजिंग एजेंट इनकॉग्निशिया साइलेंस कर दिया ठीक है मेडिसिन में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले इंसुलिन वाला ये तो पेपर में इतनी बार आ चुका है है बेटा दिस विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम ठीक प्लीज डू नॉट लेट इट गो आपके प्री बोर्ड में आएगा नहीं तो बोर्ड में तो आएगा समझे चलो अब देखो बेटा होता क्या है हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है ना बेटा वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है समझ मतलब वो एक्टिव नहीं होता इट इज मेड अप ऑफ थ्री चेन यस बेटा इट इज मेड अप ऑफ चेन ए चेन बी एंड चेन सी जो मेरी बॉडी में इंसुलिन बनता है उसमें तीन चेन होती है ए बी एंड सी ठीक है ये अनप्रोसेस्ड होती है प्रो इसको एक्टिवेट करते हैं ना तो बेटा तो सी हट जाता है एंड ओनली ए एंड बी स्टेज देखो प्रो इंसुलिन एस दिस दिस इज द सी चेन ठीक है बेटा इंसुलिस ए चेन दिस इज द बी चेन अब ये एक्टिव होने के लिए क्या होता है बेटा देखो ध्यान से देखो ये सी चेन हट गई है सी चेन इज रिमूव ए और बी जॉइंड है समझ लो ए एंड बी आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ये प्रो इंसुलिन है ये मेच्योर इंसुलिन है ये यूज फॉर्म हो सकती है समझ लो जो हमारी बॉडी में उसमें ए बी सी होता है बट जो हम यूज करते हैं तो सी को हटा के फिर हम ए और बी के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं यस यस बेटा वैभव अब देखो ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना इसको ठीक है ना इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग बेटा पहले जो इंसुलिन थे थे ना हम लोग क्या करते पिग जो पिग होते थे उनके पैनक्रियास से निकाला जाता था फॉर बट उसकी वजह से क्या होता था एलर्जी होती थी को, है ना? और होते, क्योंकि आप पिग का यूज कर रहे हो इंसुलिन तो ठीक है इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन चेन ए चेन बी आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड इंसुलिन में क्या होता है बेटा चेन ए होता है चेन बी होता है और लिंक टूगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड ए एंड बी आर लिंक इन मैम इंक्लूडिंग इंसुलिन इज सिंथे प्रो हॉर्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड मतलब ए और बी तो फंक्शनल इंसुलिन होता है बट हम लोगों में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है उसको हटाने के बाद ही वो फंक्शनल हो पाता है ठीक है तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन जो मैं बता रहा हूँ समझ आई बात परफेक्ट आगे आ जाओ तो बेटा एली लिली एक कंपनी अमेरिकन कंपनी जिसने दो स्टैंड ए और बी को अलग अलग सिंथेसाइज करा है ना चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस इन द प्लास्मिड ऑफ ई को लाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन मतलब इन्होंने क्या देखा आपने इन्होंने डीएनए सीक्वेंस बनाए जो कि ए चेन बनाए एक और डीएनए सीक्वेंस बनाया जो कि बी चेन बनाए इन दोनों डीएनए को इंट्रोड्यूस करा इन्होंने ई e. कोलाई बैक्टीरिया में ठीक है जिसने क्या बनाया जिसने ए और बी चेन ऑफ इंसुलिन बना दी देखो ह्यूमन पैंक्रिया है, है ऐसा ऐसा, बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड एंड प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन इन फर्मेंटेशन टाइप अभी बैक्टीरिया बढ़ बढ़ के इसने ह्यूमन इंसुलिन बना दिया तो बेटा इसमें टास्क क्या था ध्यान से देखो टास्क क्या था एली के पास टास्क था कि जो इंसुलिन ये बनाए ना वो मेच्योर फॉर्म में बनाए प्रो इंसुलिन ना बनाए क्योंकि प्रो बनाओ फिर उसको सी हटाओ फिर उसको यूज करो इसलिए एलई कंपनी ने बहुत ही बढ़िया काम करा ए चेन बनाया बी चेन बनाया और दोनों को जोड़ दिया समझ लो ये समझ आ गया कि सब को किसी कोई डाउट है पूछ लो इस किसी कोई डाउट है कोई पूछना चाहते है यस yes. चलो आगे चलते हैं अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी आता है बेटा मैं बता रहा हूं जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं ना अब बस इसको पढ़ लेना एग्जाम से पहले बी जीन ठीक है मेला वाला आर्न इंटरफियरेंस इंसुलिन और जीन थेरेपी ये पढ़ लेना बेटा जरूर पेपर में आएगा मैं लिख के देता हूँ ठीक है चलो अब जीन थेरेपी क्या होता है बेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउस करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो जीन थेरेपी क्या है मान लो एक बच्चा एक फीमेल प्रेग्नेंट है उनके एम्ब्रियो में ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको ट्रीट करने में हमारा जीन थेरेपी हेल्प करता है मतलब एक बच्चा है जिसका डीएनए में कोई गड़बड़ है तो इसको जीन को हम लगा के सही कर देंगे उसको ठीक है हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ अ पर्सन सेल टिश्यू टू ट्रीट मतलब हम उसकी डिसीज को कैसे ट्रीट करें बाय इंट्रोड्यूसिंग अ अ डीएनए और जीन ये बेटा एक एडी डेफिशिएंसी होती है इन नाइनटीन नाइनटी फोर इल्ड गर्ल्ड विथ डेफिशिएंसी ठीक है डेफिशिएंसी थी एक बच्चे में उसको ट्रीट करने में इसने हेल्प करा ठीक है अब ये क्या हो गया है देखो बेटा द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन ऑफ अर्डिनोसिन मतलब उसकी बॉडी में आर्डिनोसिन डीएमेस नहीं बन रहा विच इज नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी ठीक बेटा तो उनकी बॉडी में डीएनए ही नहीं है जो एडिनोसिन डी बनाए तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी है ना? Children, others, अब दो तरह के इसके ट्रीटमेंट है पहले मान लो एक बच्चा है उसकी बॉडी में एडीए तो इम्यूनिटी कम हो गई इसको हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं एक या तो हम उसके डीएनए में चेंज कर दें ताकि उसकी बॉडी के सेल्स एडीए बनाते रहे नंबर टू हम रेडीमेड एडीए लें उसकी बॉडी में है ना विच इज अ बेटर सोल्यूशन गाइस टेल मी विच अ बेटर सोल्यूशन बार बार एडीए डालना कि उसके डीएनए में ही चेंज कर दो ताकि वो लाइफ लॉन्ग डीएनए बनाता एडीए बनाता रहे चलिए बताओ एग्जैक्टली exactly. जी जो हम बोन मैरो में जब डीएनए डालेंगे वो ज्यादा है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा देखो बेटा बैक्टीरियम कैरिंग अ प्लास्मिड विद अ विदोन्ड ह्यूमन एडीए जीन मतलब देखो ये बैक्टीरिया है इसमें हमने एडीए वाला जीन डाल दिया है ना जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस अब हमने क्या करा बेटा देखो टी सेल्स विद डिसेबल्ड एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द स्किड पेशेंट क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इस द वायरस मतलब ये वाला जीन जो है ना हमने देखो पहले हमने क्या करा ये जीन बनाया

एनश्योर एडीए जीन एस एक्टिव अब एडीए जीन हो गए जेनेटिकली ऑल्टेड सेल्स इन टू दी अब हमने ये वाले जीन बना दिए जिनके पास एडीए वाला जीन आ गया है और हमने इसको इंड्यूस कर दिया yes, बेटा करमप्रीत बट एली -ली, ली ने क्या करा उन्होंने उन्होंने मेच्योर फॉर्म में ही बना दिया उन्होंने मेच्योर फॉर्म में ही

एडीए डेफिशिएंसी में हेल्प करता है अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि भाई ये डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है हाउ डज इट हेल्प इन डायग्नोसिंग अ डिसीज ठीक है चलो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इंफेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन एक्सेट्रा मतलब क्या है है ना बेटा देखो जब भी आपकी बॉडी में डिसीज होता है ना बेटा तो क्या होता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, है ना और जो डिसीज कॉजिंग हैं उसको एंटीजन कहते हैं तो दोनों इंट्रैक्शन होता है yes. तो you know, क्या होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ठीक है ध्यान से देखो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजें प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथिस अगेंस्ट द पैथोजन मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई आं, वो है ना क्या मान लो क्या कहते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट है ठीक है ठेके? तो क्या होता है वो प्रोटीन बना रहा होगा अपनी बॉडी में या फिर आपकी बॉडी उसकी अगेंस्ट यू नो एंटीबॉडीज बना रही होंगी अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है इसका मतलब क्या है वो डिसीज कॉजिंग एजेंट है समझ रहे हो आपने देखा होगा एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोविड इसका मतलब क्या अगर आपकी बॉडी कोविड के एंटीबॉडीज बना रही है इसका मतलब आपके अंदर कोविड है तो इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो एलिजा में इसमें हेल्प करती है पीसीआर पॉलिमरियस चेन रिएक्शन ये क्या है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरियल और वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर नॉट येट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर मतलब अगर मान लो आपकी बॉडी में डिसीज आ गया है ना बेटा वो बहुत ही कम क्वांटिटी मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अगर आपको याद है, 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 है पीसीआर में करते थे तो क्यों करते थे तुम एक मल्टीपल कॉपीज कॉपीज तो हमने डिसीज को मतलब सैंपल लिया उसका पीसीआर करा तो डिसीज वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें डिटेक्ट करने में ईजी रहेगा समझ हो

Followed by detection using auto जो सीक्वेंस होने थी उससे जाके तो चिपक जाएगा जहां जहां यह चिपक गया वो मुझे विजिबल होगा जहां जहां यह विजिबल नहीं हुआ इसका मतलब क्या है वो म्यूटेटेड जीन है समझा इट इज लाइक मैंने ट्रांसमीटर लगा के डीएनए को भेज दिया कि भैया पता करो और जहां जहां डीएनए गया वहां वहां तो था जहां पे नहीं गया जहां पे वो जहां पे विजिबल नहीं हुआ इसका मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ है समझे मेरी बातों को प्रोब इज लाइक बेटा अ ट्रांसमीटर प्रोब मतलब एक एनीथिंग विच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट समझे हमने एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए में क्या लगाया रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा के छोड़ दिया और देखा कि ये कहां कहां जाता है ठीक है हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पता है हमें पता है कि इसका जुड़वा यहां पर है अगर किसी डीएनए का जुड़वा नहीं मिला वहां पे वो विजिबल नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है वो उसमें कुछ दिक्कत है समझे परफेक्ट वेरी गुड क्लैप्स गाइस क्लैप्स फॉर यू ऑल गुड जॉब वेल डन चलो लेट्स डू ठीक है बेटा देखो मैंने क्या किया मैंने लेबोरेटरी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आर बनाया है ना इसके साथ रेडियो एक्टिविटी ऐड कर दी फिर इसको मैंने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया है ना बेटा ये जाके ट्रांसमीटर की तरह ये मेरे को बता रहा है कि कहां -कहां पे यू you नो know, जा रहा है इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ तो ये जाके डीएनए के साथ चिपकता है ठीक है जहां पे चिपक नहीं पा रहा मतलब वहां पे कुछ दिक्कत है वहां पे म्यूटेशन है दैट मीनस देर इज द प्रॉब्लम इन द डीएनए ठीक है चलो चल कम ऑन बी टी कॉटन वराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन बेसिलसूर असिस्टेंट टू इन्सेक्ट पेस्ट फंगल डिसीज प्लांट निमेटोड और इन्सेक्ट प्रेट बताओ स बी टी कॉटन वेराइटी जीन इज में थ्री विटामिन बी विटामिन सी बताओ बेटा गोल्डन राइस में क्या था क्या स्पेशलिटी है गोल्डन राइस की ओमेगा थ्री होता है विटामिन ए होता है विटामिन बी होता है विटामिन सी होता है कौन बहुत ही ईजी है एग्जैक्टली बेटा गोल्डन राइस इज विच राइस है ना

इसके नीचे देखोगे नीट क्रैश कोर्स है क्लिक ऑन दिस है ना बेटा ट्वेंटी सेकेंड फेब्रुवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है है ना यू कैन एनरोल दैट टिल थर्टियथ अप्रैल तक रहेगा एंड इट विल बी वैलिड टिल यू गेट इन टू जब तक आपका नीट का पेपर नहीं होता तब तक आपके पास एक्सेस रहता है ट्वेंटी टेस्ट होते हैं नीट के टॉप टीचर्स इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ हमारे यू नो टॉपर्स का ठीक है तो यू कैन एनरोल दैट नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन ऑफ ओके परफेक्ट तो क्या नेक्स्ट क्लास डोंट वरी सब बढ़िया हो जाएगा टेंशन में तो बस अपना मेहनत करते रहो एवरीथिंग विल बी फाइन ओके कीप स्माइलिंग सी इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ ग्रेट डे बाय